हाँ जी, कॉलेज के आर्ट्स पेंटिंग्स वगैरह जो आपने कभी देखे नहीं होंगे वो आज मैं दिखाने वाला हूँ। प्यारी प्यारी पेंटिंग्स आर्ट्स वगैरह स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, ठीक है, बिना किसी बकवास के। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज। स्टार्ट करते हैं पहले का, ये देखो ये पेंसिल से बनाया हुआ, इसका जो वो है ना, क्या बताऊँ, ग्राफ की जो है ना इसकी कमाल की, एक नंबर की। ये वाला चक्कर इसके मतलब लग ही नहीं रहा ये पेंसिल से बनाया। ये वाला थोड़ा सा आगे दिखा, ये वाला ये पेंसिल से बनाया हुआ है। और ये तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते हो, ना ये पेन से बनाया ना पेंसिल से बनाया, ये थोड़ा सा वो है ना 3D टाइप का है, मतलब इसमें घास भी यूज किया गया है मगर थोड़ा सा नकली घास, ठीक है ना। ओ ये कितना प्यारा है ये वाला, तो पेपर का भी यूज किया गया है इसमें, भाई ये देखो कितना मस्त दिख रहा है। और बाहर दिखा आता है ये जो ये कलर्स का यूज किया गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा है भाई। मुझे एक पसंद आया, और ये कॉलेज का पता है क्या है, ये टॉयलेट है और ये क्लासरूम है। तो मैंने अभी थोड़ा सा गौर किया, अभी जाके मुझे खुद पता चला, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये दोनों देखो, इसके भी ग्राफिक्स नेक्स्ट लेवल है, मतलब ये देखो ये जो कलर्स दिख रही है इसमें पता है क्या यूज किया गया है, क्या कहते हैं उसको, कॉटन यूज किया गया है इसमें। तो 3 नंबर मिलेंगे इसमें 4 में से। तो फिर आते हैं और इस तरह दिखा, ये 2 वाली पेंटिंग्स है ना, 3 है, 1, 2 और 3 सबसे ज्यादा पसंद आई है मुझे। पता है ये क्या है, ये किसी ना पेपर पर बनाया ना किसी चीज पर बनाया, ये बनाया पता है क्या, कपड़ा होता है ना कपड़ा, उसी पर बनाया। इसके ग्राफिक्स वो देखो, डिटेलिंग देखो इसकी, मतलब एक एक वो जो होते हैं ना, क्या बताऊँ मैं तुझे, इस पर कौन सा कलर किया गया है वो तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। ये जो है ये कपड़े का यूज किया गया है इसमें, फिनिशिंग डिटेलिंग 1 नंबर बना है इसमें, 10 आउट ऑफ 10 दोनों में। और ये जिसने बनाया इसका नाम लिखा था पहले, इस पर आ जाना। और ये भी सेम इसी का कपड़े पर बना हुआ है, ये तो लग ही नहीं रहा है कपड़े, पता नहीं लग रहा है कोई, मतलब वो कहते हैं ना प्लास्टिक टाइप का खरीदा हो ऐसे ही लग रहा है, पर 1 नंबर लग रहा है, मस्त दिख रहा है, जबरदस्त। ये वाला भी सही है, पर ये कुछ ये जो कलर है ना इसका, ये ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। ये शायद तीनों ने, ये जो तीनों बनाई है किसी प्रीति ने बनाई है, तो हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक प्रीति, बहुत अच्छा बनाया आपने, काफ़ी मस्त सा, ठीक है, अच्छा लगा मुझे देखकर। और बाद में आता है ये छोटी छोटी पेरिस पर कुछ नेक्स्ट, ये कुछ लग नहीं रहा है वो सेल के बारे में, मतलब क्या छोड़ो उसको बाद में देख लेंगे। वो ये आते हैं पेंसिल के आर्ट वर्क, ये ठीक है ना, तो ये पेंसिल से बनाए गए हैं। तो बाद में आता है ये जूता जो कि बनाया गया है कागज़ से, तो ये कुछ मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा है, देख के यूट्यूब से देख के कोई बना सकता। और ये जो पेंटिंग है इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाने में, 250 का है, हाँ 250 का जूता बिकेगा। और बाद में आता है ये किसी ये बनाया यहाँ पर, ये हमारा बनाया गुड वाइब्स ऑनली, ये भी काफ़ी प्यारा है, चारों पेंटिंग काफ़ी अच्छी है। और बाद में आता है ये कबूतर उड़, ठीक है ना, ये भी काफ़ी मस्त है। ये कबूतर कहाँ है, फिर क्या है, कबूतर है ये, तोता है, तोता है, पर जो भी है डिटेलिंग इसकी काफ़ी फ्रेम में लगाया गया है, काफ़ी मस्त है ये भी। और बाद में आते हैं इसमें बाहर, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगी भी, ये जो ये काफ़ी ज़्यादा महंगी भी मिलती है मार्केट में, मतलब 300-400 तक का तो मिलेगा अगर आप खरीदोगे तो। हाँ ये कुछ ये डॉग बुलाड़ा, इसमें खून आया हुआ है, हाँ खून आया हुआ है। और यह घोड़ा, ये देखो इसके बाल की डिटेलिंग देखो, 22 साल 1 नंबर लगाए गए। और बाद में आता है ये थोड़ा सा ठीक है। और ये देख रहे हो ये भी पेन लगाया हुआ है, पेंसिल से डिटेलिंग की गई है, काफ़ी मस्त है ये भी, तो हाँ। और बाद में आता है ये ड्रेस वगैरह, ये कपड़े से बना हुआ है, इसको भी डिटेलिंग पर चेहरा थोड़ा सा समझ रहे होंगे, है ना। और लास्ट में आता है ये 4 पेंटिंग, ये भी काफ़ी मस्त है, तो हाँ ये कुछ। और लास्ट में आता है ये भी दिखाओ, ये जो पत्ते देख रहे हैं ये भी प्यारे प्यारे, ये भी 3D लग रहा है, बिल्कुल 3D लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये रियल में है या फेक में, क्या रियल में है फेक में, मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब अच्छे खासे लग रहे हैं पौधों को फोटो खींचा चिपका दिया, काफ़ी मस्त है। और ये पता नहीं ये क्या है, थोड़ा सा
क्लाइमेटिक शॉट लगाया गया। और बाद में आता है ये भी कपड़े से बना हुआ ड्रेस वगैरह, तो ये भी काफी मस्त है। ये किसने बनाया है समझ नहीं आ रहा, खुद दिखाओ किसने बनाया है, या मुझे किसने बनाया, जो भी है। तो बाकी आता है ये कौन सा मशरूम है ना शायद, हाँ। ये मशरूम है, ये भी कपड़े से बनाया गया है। इसकी भी डिटेलिंग काफी मस्त है, ये देखो कितना प्यारा है, बड़ी पेंटिंग है। तो हाँ ये तो कुछ छाता लग रहा है ना ऐसे। तो बाद में आता है ये कुछ पेड़ वगैरह, इसकी भी डिटेलिंग मस्त है, ये 3D टाइप का दिख रहा है। और ये किसी का घर है स्नो में, तो ये देखो भाई को देखो, मतलब क्या कह रहे हो, एक होता है पावर ऑफ आर्ट, इसको कहते हैं पावर ऑफ आर्ट, जो देख रहे हो सबको। और बाद में आता है ये भी कोई मशरूम टाइप का ही है, जिसमें ये पानी के अंदर है मछलियाँ वगैरह। तो हाँ ये भी कुछ छोटे मोटे पेड़ है, ये भी कुछ ऐसा ही है। और ये कुछ काटा हुआ जिसमें काटते हैं यहाँ पर, तो नाइट में डार्क में कुछ दिख रहा है, किसी का घर है, लाइट दिखा रहे हैं। पता है ये लाइट कैसे दिखाया है ऐसा यार, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आर्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। वाइट कलर उठाया है, हाँ। इसको ऐसे कर दिया, बन गई है लाइट। बस तो ये थे कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाई, मतलब ये आर्ट, मुझे खुद ये इसमें इंटरेस्ट है आर्ट वगैरह में, तो ये पेंटिंग्स वगैरह पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, जब आता है फिर उतना मुश्किल नहीं होता, मज़ा आता है करने का। सो खैर ये थे कुछ कॉलेज के आर्ट्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह। तो ठीक है, वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं जल्द से मस्त वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।